नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण, हिंदी भाषा के हिंदी व्याकरण की किताब के पाठ एक भाषा और व्याकरण में हमने जाना कि भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप होते हैं। आइए बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हुए देश में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं को हम क्या कहते हैं ये जानेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी राष्ट्रभाषा, थोड़ी सी जानकारी के बाद तकनीकी कारण से वो वीडियो बंद हो गया था, इसलिए मैं इस वीडियो में राष्ट्रभाषा से ही ये कक्षा शुरू करूंगा। राष्ट्रभाषा क्या है? कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं तो भाषा राष्ट्रभाषा भाषा का स्थान ले लेती है। बच्चों, इस बात को हम ऐसे जानेंगे कि किसी देश में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा, जिस भाषा को उस देश के सबसे ज्यादा लोग जानते हों या उस भाषा का प्रयोग करते हों, वो हमारी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे बच्चों, हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो बच्चों, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। और जैसा कि आप इस पट्टी में भी देख रहे हैं कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा मतलब राष्ट्रभाषा। तो बच्चों, ये रही राष्ट्रभाषा। अब आगे लिखा है कि मातृभाषा। तो बच्चों, मातृभाषा क्या है? मातृभाषा को हम इस प्रकार समझेंगे। आइए पहले हम पढ़ते हैं बुक में लिखी हुई लाइनें। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख सकता है, यही उसकी मातृभाषा होगी। बच्चों, हम अपने परिवार और अपनी माता, यहाँ माँ का नाम क्यों है? क्योंकि माँ ही हमारी सबसे पहली गुरु है, सबसे पहली शिक्षक है। जब बच्चे का जन्म होता है तो ज़्यादातर वो अपनी माँ की गोद में रहता है और माँ ही उसे बोलना और भी तौर तरीके सब कुछ उसे शुरू से माँ ही सिखाती है, और माँ के अलावा जो उसके परिवार के और लोग हैं। तो बच्चों, माँ और उस बच्चे के परिवार के माँ, पिता, भाई, बहन, जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं, वो बचपन से ही उससे बातें करते हैं, और वो जिस भाषा में बातें करते हैं उस बच्चे के लिए वो मातृभाषा। मातृ क्यों आया? मातृ का मतलब माँ, माँ, माँ अर्थात माता। तो माता से और अपने परिवार से बच्चा जो भी भाषा सीखता है वो उसकी
मातृभाषा कही जाती है। बच्चों हमारे देश में हिंदी के अलावा और कई भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उन सभी भाषाओं को हम क्षेत्रीय भाषाओं के नाम से जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर भारत में रहने वाले लोग अपने माँ के द्वारा बचपन से ही हिंदी भाषा का प्रयोग सुनते हैं, इसलिए हिंदी भाषा ही उसकी मातृभाषा होती है। जिन राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तो वहाँ उनकी माँ उस भाषा का प्रयोग करती है, इसलिए बच्चा वो भाषा सीख जाता है, क्षेत्रीय भाषा, तो वो उसकी मातृभाषा कही जाएगी। लेकिन जब भी राष्ट्रभाषा का जिक्र आएगा तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इनके अलावा बच्चों एक और भाषा होती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब है कि जो सभी देशों में, जिस भाषा का प्रयोग सभी देशों में किया जाए वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। और बच्चों अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अंग्रेजी को दिया गया है, अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सभी देशों ने मिलकर के अंग्रेजी भाषा को स्वीकारा है कि जब भी एक देश दूसरे देश से बात करेगा तो उसका माध्यम अंग्रेजी भाषा होगा, इसलिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा हिंदी और मातृभाषा हिंदी या क्षेत्र में बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषाएं भी हो सकती हैं। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे की हेडिंग है बोली। आइए बुक में देखते हैं। बोली सामान्यतः भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। इन रूपों को भाषा विशेष की बोलियां कहा जाता है। जब कोई बोली लिखी जाने लगती है तथा उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है तब उसे भाषा कहा जाता है। बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, पंजाबी, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, बंगाली, इस तरह से बुंदेली, जो हमारे क्षेत्र में बुंदेली भाषा है तो ज़्यादातर बुंदेली भाषा का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती हैं, इन सभी क्षेत्रीय भाषाओं को हम बोली कहते हैं या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। एक भाषा में स्थान जगह के हिसाब से बोलचाल के कई रूप, उसी भाषा को कई तरीके से कई रूप में बोला जाता है। जैसे हिंदी भाषा को आप ले लीजिए, यूपी के लोग कुछ और तरह से बोलते हैं। यूपी में ही आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आप दूर चले जाएंगे तो आपको वहाँ की कुछ भाषा हिंदी में भी ही वो बोल रहे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बदलाव समझ में आएगा। तो जगह के हिसाब से भाषा के बोलचाल में परिवर्तन नज़र आने लगता है। तो बच्चों ये हम जान लेंगे कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, और जब उस बोली में, उस भाषा में कोई साहित्य लिखा जाए या उस भाषा को लिखा जाने लगे तो उस भाषा को भाषा का दर्जा मिल जाता है।
तो बच्चों ये रही हमारी बोली, क्षेत्रीय भाषा। आगे बढ़ेंगे बच्चों लिपि। लिपि क्या है? तो आइए बच्चों पहले हम पढ़ते हैं। बोलते समय मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। उन चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जो अपने विशेष नाम से जानी जाती है। तो बच्चों लिपि को हम ऐसे समझेंगे कि जो लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। कोई भी भाषा लिखते हैं तो उसके लिए हम एक चिन्ह बनाते हैं। जैसे हमें का लिखना है हिंदी भाषा के लिए का, तो हमें हम का कैसे लिखते हैं? सीधे डंडा खींचते हैं, फिर बाएं तरफ गोला बनाते हैं, फिर ऊपर एक डंडा होता है और फिर साइड में आधा गोला बनाते हैं, तो इस तरह से का लिख देते हैं। बच्चों अगर हमें इंग्लिश अंग्रेजी भाषा लिखनी है तो हम उसके लिए कौन सा चिन्ह बनाएंगे? ए। या का लिखना है तो के बनाएंगे, तो के हम कैसे बनाते? एक डंडा खींचेंगे और फिर उसमें एक ऊपर को एक नीचे को उसके बीच से, तो इस तरह से के। तो इस तरह से जो भी चिन्ह बनाए गए हैं लिखने के लिए, जो चिन्ह बनाए गए हैं निर्धारित किए गए हैं, उनके लिखने का ढंग तरीका या रीति वही लिपि कहलाती है। तो यदि हमें परिभाषा लिपि को परिभाषित करना है तो हम इस तरह से कहेंगे कि लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो बच्चों याद रखिए, यहाँ पर तालिका में दिया गया है कि याद रखिए बच्चों, इनको हम अच्छी तरह जान लें। पहली लाइन है, जिस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। बच्चों जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अलग अलग लिपि हैं और उन लिपि के नाम भी हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। इस तरह से संस्कृत और मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो बच्चों आप जान लें कि हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा तीनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, छोटा, बड़ा, ये क्या कहलाती है? देवनागरी लिपि। इस तरह बच्चों पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी कहते हैं। आगे है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। बच्चों अंग्रेजी भाषा के जो अक्षर है ए बी सी डी ई एफ जी एस, ये सब रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। इनके लिखने का तरीका रोमन लिपि कहलाता है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। इसी तरह बच्चों उर्दू भाषा भी हमारे देश में प्रयोग की जाती है। उर्दू भाषा की लिपि अरबी फारसी, उर्दू भाषा की लिपि है अरबी फारसी। तो ये बच्चों लिपियों के नाम, जितनी भी भाषाएं प्रमुख भाषाएं हैं उन भाषाओं के नाम तथा उनकी लिपि कौन सी है, ये इस याद रखिए की तालिका से आपको ज्ञान हुआ। तो बच्चों जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं और जो भी परिभाषाएं बीच बीच में आपको बताते हैं, आप वीडियो को रोक करके उस परिभाषा को आप तुरंत कॉपी में नोट भी करें और उसे याद करें, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगा। मातृभाषा क्या है, बोली क्या है और लिपि क्या है, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करें। और प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं और उनकी लिपि
का नाम क्या है ये भी आपको याद करना है। तो इस तरह से आपने मातृभाषा बोली लिपि आदि सीखा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब लिखा है व्याकरण। बच्चों पाठ हमारा पाठ का नाम था भाषा और व्याकरण। तो अभी तक जो भी हमने चर्चा की वो भाषा के बारे में चर्चा हुई। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे कि व्याकरण क्या है। तो बच्चों आइए बुक में देखते हैं। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उसका ठीक ठीक अर्थ समझना भी कठिन होगा। बच्चों भाषा को बोलते समय और लिखते समय हमें भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना है। हम यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, तो हम लिखने में और बोलने में कई गलतियां कर सकते हैं। इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि बच्चों यदि ये व्याकरण का ज्ञान हमारा अधूरा है तो हमसे निम्नलिखित अशुद्धियां होना हो सकती हैं। जैसे बच्चों अशुद्ध रूप देख रहे हैं आप, इस तालिका में एक तरफ लिखा है अशुद्ध रूप और दूसरी तरफ लिखा है शुद्ध रूप। तो अशुद्ध में बच्चों पहला वाक्य लिखा है दो बच्चा पढ़ रहा है। बच्चों बोलने में और देखने में ये कितना खराब लग रहा है, दो बच्चा पढ़ रहा है, बोलने में भी अजीब सा लग रहा है। लेकिन चूंकि बच्चा ये एक वचन है और दो चूंकि दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो जब दो है तो उसमें बच्चा की जगह बच्चे शब्द आएगा, यानी कि दो बच्चे पढ़ रहे हैं। वाक्य बहुवचन है इसलिए कर्ता भी बहुवचन होगा। तो दो बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह से नीचे लिखा है प्रिया खाना खा रहा है। अब बच्चों प्रिया स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो शुद्ध में प्रिया खाना खा रही है, प्रिया स्त्रीलिंग शब्द है तो वाक्य भी स्त्रीलिंग है इसलिए खा रहा है नहीं होगा, क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी तो वाक्य क्या होगा प्रिया खाना खा रही है। अतः हम बच्चों जान गए कि व्याकरण के नियमों द्वारा रचित वाक्य अशुद्धि से मुक्त होते हैं। जो जिन वाक्यों में या जिस भी भाषा में व्याकरण का प्रयोग होगा वो वाक्य अशुद्धि से मुक्त होगा, मतलब उसमें अशुद्धि की गुंजाइश नहीं रहेगी, वो शुद्ध होगा। तो व्याकरण क्या है बच्चों ये हम जान लेंगे कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो बच्चों परिभाषा को हम इस तरह भी जान सकते हैं व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वो शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध लिखना पढ़ना तथा बोलना सीखता है। तो एक तरह से एक परिभाषा ये भी रही कि व्याकरण वो शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध लिखना पढ़ना तथा बोलना सीखता है। तो बच्चों ये रही व्याकरण की बात। अब आगे देखेंगे हम कि व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के
तीन अंग होते हैं। पहला अंग क्या है? वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो बच्चों वर्ण विचार क्या है? इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। बच्चों वर्ण, वर्ण वर्णों को मिलाकर के शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर के वाक्य बन जाते हैं। जैसे एक वर्ण है का, तो का और एक वर्ण मा और एक वर्ण ला, यानी एक अक्षर का, एक अक्षर मा और एक अक्षर ला, और जब तीनों को मिला दिया गया का मा और ला तो कौन सा शब्द बन गया? कमल। इसलिए अक्षरों को मिला करके, अक्षर मीन्स वर्ण, वर्णों को मिला करके शब्द बना, का मा और ला को मिलाया तो कौन सा शब्द बना? कमल। अब बच्चों शब्दों को मिला करके वाक्य कैसे बनता है? तो कमल का फूल, जैसे हमें लिखना है कमल का फूल, ये एक वाक्य हो गया। तो कमल एक शब्द, का एक शब्द और फूल ये एक शब्द, तो इस तरह से तीन शब्द हुए, कमल एक, का दो और फूल तीन, कमल का फूल। इसलिए हमने जब तीन शब्दों को मिलाया तब जा करके एक वाक्य बना। तो व्याकरण के यही तीन अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद और उनके उच्चारण तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। तो बच्चों वर्ण, वर्ण मीन्स अक्षर, और वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला मतलब जिस तरह से हम ककहरा लिखते हैं, यानी का के बाद खा, खा के बाद गा के बाद घा के बाद अंगा, का खा गा घा अंगा, चा चा जा जा इया, टा ठा डा ढा आणा, इस तरह से क्रम में, एक निश्चित क्रम में जब हम सभी अक्षरों को लिखेंगे और उस ग्रुप को, उस समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इस ये चर्चा भी वर्ण विचार में की जाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब छोटा बड़ा, आ से लेकर के आह तक और का से लेकर के ज्ञा तक, ये व्यंजन है। स्वर आ से लेकर आह तक और व्यंजन का से लेकर के ज्ञा तक। तो ये रहे वर्ण, वर्णमाला और वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा प्रयोग। बच्चों हर अक्षर का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। कुछ अक्षर की ध्वनि नाक से निकलती है, कुछ की मुंह से, कुछ के मुंह को चलाने के तरीके से, दांत, दोनों दांत जुड़ते हैं, किन्हीं वर्णों में जीभ ऊपर लगती है, इस तरह से उनके उच्चारण में भी कई भेद होते हैं अक्षरों के। तो ये सब चर्चा वर्ण विचार के माध्यम से की जाती है या बुक में लिखी हुई होती है। वर्ण विचार के अंतर्गत ये सब आता है। अब बच्चों दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों शब्दों की रचना, शब्दों की बनावट, शब्दों, शब्द कैसे बनते हैं, उनके कितने भेद होते हैं और
उनका प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है आदि पर चर्चा होती है। इसके बाद वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के कितने भेद होते हैं ये ज्ञान कराया जाता है वाक्य विचार के माध्यम से। इस तरह से ये व्याकरण के अंग हैं, तीन, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों ये भी सब आप कॉपी पर अच्छी तरह और ध्यान से नोट करें, जहाँ समझ में आए कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जा रही है उसको आप जरूर लिख लें। खासकर परिभाषा और भेद, अंग, रूप, ये सब आप अच्छी तरह लिखते जाएं और याद भी करते जाएं। तो बच्चों वाक्य विचार, वाक्य के बारे में हम एक बार फिर आपको बताएंगे कि वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक वचन है, वाक्य एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वर्तमान है, भूतकाल है या भविष्यकाल है। इस तरह से वाक्य भी कई तरह के होते हैं। तो ये सब हम व्याकरण के ही माध्यम से जान सकते हैं, इसलिए व्याकरण की जानकारी किसी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए या लिखने के लिए अति आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कर सकते हैं। तो ये आपने जाना व्याकरण के अंग और व्याकरण क्या है ये भी हमने जाना। परिभाषा लिखने के लिए एक बार फिर आप वीडियो देखें स्क्रीन पर। व्याकरण वो शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखता है, ये व्याकरण की परिभाषा है। आप परिभाषा को और उसके अंग भेदों को अच्छी तरह लिखें और याद करें। नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंड आई होप सो यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। व्हाट डिड यू लर्न समथिंग? Are this story was helpful for you? What did you learn? Can you write in your copy one or two sentences? What did you learn? I want to know. Yesterday we have completed our question answer, and I hope so you have written in your copy. And what I gave you homework, question number 1 and 2 to memorize. And I hope so you have memorized also. So today, let's see our some exercise given in the book. So let's see. Your first is similes. What is a similes? Let's see. It is written, read this sentence. Which sentence? But the lion was as loud as thunder. As loud as thunder is a simile. As loud as. So let's go ahead. In this sentence, the highlighted words compare and loudness of a lion's roar with the loudness of thunder. Here two different things with the same quality are being compared. Such an expression is called a simile. Are you understand, students?
सो इट्स टॉक अबाउट व्हेन वी यूज एज एज लाइक एज सो इट्स कॉल्ड सिमिली. नाउ यू सी हियर आई स्माइल यूज द वर्ड्स एज डैश डैश एज डैश आर लाइक टू मेक कंपेरिजन फॉर एग्जाम्पल. नाउ यू कैन सी हियर सी स्मेल्स लाइक अ फ्लावर. हु स्मेल्स लाइक फ्लावर? शी. सी इज अ आई वी शी. यू हैव स्टडीड. आई होप सो यू अंडरस्टूड. सो नाउ वॉट यू हैव टू डू, लेट्स सी, मैच द वर्ड्स इन कॉलम्स ए एंड बी टू फॉर्म सिमिलीज. कैन यू डू दिस वन? राइट डाउन नाउ. लुक हियर स्टूडेंट्स, एज स्वीट एज अ माउस, अ डायमंड्स, आइस, हनी, अ लॉग. वेयर वी हैव टू मैच एज स्वीट एज हनी. राइट डाउन एज स्वीट एज हनी. नाउ सी सेकेंड. स्लीप लाइक. स्लीप लाइक वॉट विल कम? अ लॉग. यू कैन रीचेक स्टूडेंट्स इफ यू हैव रिटन रॉन्ग. स्लीप लाइक अ लॉग. नाउ सी थर्ड वन. एज क्वाइट एज वॉट विल कम? अ माउस. अ क्वाइट एज a mouse. Now see fourth one. As cold as. Cold. Where we have to relate this one? As cold as ice. Now see your last one. Shine like diamonds. Let's see another question. Now see your second question. Your second question is, now complete the sentence with the similes you formed in exercise 1. Make changes if required. We have completed in the first one. Match the words. You have to use here same like. Okay, first I will give you example. Then you have to do that. Okay, students? Let's see. She stood in the rain for 2 hours. Her hands were as cold as ice. Now, you have to do all the remaining one. Okay? Now you have to complete what is remaining now. Are you able to do that, students? Okay, first you do that and then after I will recheck. Okay? Now you complete this one. Okay, let's read again and we practice together. Okay? Myra greets everyone politely. She is what we have to write right here as sweet as honey. As sweet as honey. Okay. Now let's see third one. Vihan left the room without a sound. He was as quiet as a mouse. Okay, students.
लेट्स सी डी वन. गुरप्रीत वॉज सरप्राइज टू सी हर न्यू स्केचेस हर आईज शोन. Soon, like diamonds. Okay. Understood, students? Let's see last one. Tuhin was tired after cleaning his room, so he slept. Slept like a dog. Understood, students? Okay, let's see now B part. What with ness? Read the sentence. The bats fooled both the animals and the birds with their cleverness. Are you understood, students? Let's see. The word cleverness means the qualities of being clever. It is a noun. What is this? It is noun. Cleverness is noun. Okay. Now what you have to do? Complete this sentence with words from the box. Here you, some hints has given. Then what you have to do? Just you have to make a screenshot or you can pause it. And see, first question is, nothing could be seen in dash of the basement. First you do this one, then I will recheck it, okay? First you do. Okay, now you recheck, okay? Nothing could be seen in the darkness. Write down here, darkness. We cannot see anything in the darkness. Can you see, students? Of the basement. Okay, let's see second one. He liked to feed the hungry. People praise him for his, what will come? Kindness. Write down here, kindness. Kindness. Okay, let's see third one. Aswini's father came to see him during his, what will come, students? During his sickness. Sickness. Now see D1. Jack never wanted to work. His mother did not like his laziness. Write down, laziness. Okay, now see E. Sana arranged the books according to their thickness. See last one. Mother smelled the mangoes to check their sweetness. Now see here. What is a common to these ness words? Okay, all of them are nouns. What are nouns? And have been formed from the adjective. What is the adjective?
काइंड, डार्क, लेजी, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव एंड सो ऑन. सो लाइक दिस वी हैव सो मैनी वर्ड्स दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर हियर रिटन. वी ऑफन एड अ ग्रुप ऑफ लेटर्स सच एज नेस एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. सच अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ सफिक्स. वॉट इज दिस कॉल्ड? सफिक्स. ओके, वॉट इज द सफिक्स? सफिक्स मीन्स एडिंग समथिंग लास्ट. आई विल गिव यू एग्जाम्पल, लाइक यू कैन सी हियर. This is your word. What is this? Week. If I add here ness, then what will become? Week ness. Okay? This is called suffix. Okay, students, I hope so you have learned. So now what you have to do, you have to see here what are the examples it is written here, and it will be very clear for you to understand. Okay, let's see. A suffix can be one letter or a group of letters. What can be? One letter or group of letters. Now you can see here. Greed. If I add Y, then what will become? Greedy. Agree. If I use meant, then what become? Agreement. Act. If I use ION, then what become? Action. So these all called suffix. Okay, students. Now, if some words comes in your grammar, don't worry, you can do that. Okay. So let's see another question. Let's we have some fun. Okay, students? Okay. Your question is, circle the correct spelling in these pairs of the words. Now you have to find out which meaning is correct. You have to look here and you have to find out correct spelling. Okay? Can you do that? Okay, first you do that, after we recheck, okay? Let's see. D-O-U-B-L-E. Now, see second one. D-O-U-B-E-L. Which one is correct? Can you tell? First one, okay? D-O-U-B-L-E. It's called double. Make a circle. Okay, now see. B one. R E A V E L. See second one. R E V E A L. Then which one correct? This one or this one? Okay. Second one is right one. Okay. Let's see. Another one. Traitor. T-R-A-I-T-O-R. T-R-A-I-T-E-R. Which one correct? Here, your first one. T-R-A-I-T-O-R. Okay? Let's see D. Naturally. N-A-T-U-R-A-L-L-Y. And see second one. N-A-T-U-R-E-L-L-Y. Which one correct? First one, okay? Naturally. Now come to the E. What is written? Creatures. So what is the spelling of creature? C-R-E-A-T-U-R-E-S. Creatures. And now see this one.
सी आर ई ए टी ई आर एस, विच वन करेक्ट? फर्स्ट वन. ओके, मेक अ सर्कल. स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी आर यू कैन मेक अ स्क्रीन शॉट. ओके, एंड हाउ यू विल मेक अ स्क्रीन शॉट? जस्ट यू हैव टू होल्ड टू बटन्स विच इज रिटन, वन फॉर यू कैन सी इन योर मोबाइल, जहाँ से हम क्या करते हैं बटन ऑफ और ऑन करते हैं, वहाँ से आपको दोनों साइड से क्या करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, उस बटन को प्रेस करना है और वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सी. एफ, सीक्रेट. एस ई सी आर ए टी ई, सीक्रेट. एस ई सी आर ई टी, सीक्रेट. सेम प्रोनाउंस आर देयर बट स्पेलिंग हैज टू करेक्ट वन. विच वन करेक्ट? सीक्रेट. इन योर बुक ऑल्सो हैज रिटन दिस वन, सीक्रेट. लेट्स सी अनदर वन. डिक्लेयर, डी ई सी एल ए आर ई, एंड सी हियर, डी आई सी एल ए आर ई. विच वन करेक्ट? फर्स्ट वन. ओके, नाउ सी एच, सेलिब्रेट. सी ई एल ई बी आर ए टी ई. नाउ सी सेकेंड वन, सी ई एल आई बी ई आर ए टी ई. विच वन करेक्ट? फर्स्ट वन. ओके, इफ यू हैव रिटन क्लैप फॉर योर सेल्फ. ओके, लेट्स सी. आई, सेपरेट. एस ई पी ए आर ए टी ई. लेट्स सी सेकेंड वन, एस ई पी ई आर ए टी ई. विच वन करेक्ट? फर्स्ट वन. ओके, सेपरेट. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी अनदर वन. गैदरिंग, जी ई टी एच ई आर आई एन जी. गैदरिंग, जी ए टी एच ई आर आई एन जी. गैदरिंग, सेम प्रोनाउंस बट वी हैव डिफरेंट स्पेलिंग, सो विच वन करेक्ट? दिस वन आर दिस वन? ओके, दिस वन. ओके, मेक अ सर्कल. ओके, लेट्स सी नाउ ग्रामर गाइड्स, व्हाट आर द रिटन हियर, जस्ट वी रीड. ओके, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स सी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? लेट्स सी हियर. द ईगल फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड रेज्ड हिज वॉइस. हु रेज्ड एंड हु फ्लैप्ड? ईगल. ओके, द ईगल, कैन यू सी रेड वन? द ईगल इज अ सब्जेक्ट. ओके, एंड फ्लैप्ड टू हिज वॉइस इट्स कॉल्ड प्रेडिकेट. अंडरस्टूड स्टूडेंट? व्हाट इज द सब्जेक्ट? द ईगल इज अ सब्जेक्ट एंड ऑल रिमेनिंग वन इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ओके, लुक हियर. The highlighted part of the sentence is called subject. Highlighted means which is here written in the red color. It's called subject. It usually has a noun. What is this? It is noun or a pronoun which tells us who or what the sentence is about. The subject is usually the door of action. Okay, student, you see here, when subjects indicate some things, then it's called predicate. Okay, so let's see ahead.
Now see here, the remaining part of the sentence is called the predicate. I told you before, all the remaining parts called predicate. It tells us something about the subject. What was he said? The eagle flapped his wings and raised his voice. The eagle was saying, he flapped his wings and raised his voice. That's called predicates. And what was the indicating? The eagle. Okay. And what was the indicator? Just he was indicating the eagle was flapped with his wings and he raised his voice. Okay, let's see. Both the animals and the birds believe the bats. Okay, now here you have to see here. The animals and bird is called subject. Okay, now believe the bat is called predicate. Understood, student? Now see here. In this sentence, the highlighted words are the doors as doers of the action. Therefore, they together form the subject of the sentence. The remaining words from the predicate. Okay? Let's see. We can see that a subject can be made up of more than one words. When we study sentence, then we'll find out. When you will study your grammar, then we will check it there. Okay? What are the exercises given in the grammar book? Okay? Now what you have to say? See this here. Match the subject in a column A with their predicates in their columns B to make meaningful sentence. One has been done for you. Which one has done? Can you see? Okay, let's check here. Okay, we have here we have some example which they told. The eagle flapped his wings and raised his voice. That was the example. Now we will practice. First you do that one in your copy. A student, whenever you write, write neat and clean, okay? Okay, first you do that, then after I will tell you to recheck, okay? Let's see here. The children will take the students on a picnic. The children broke the lock of the house. The children is sitting in front of its den. The children's playing on the swings. The children shining brightly in the sky. Flopped his stickers on the platform. Which one correct, students? Let's see here. The children are playing on the swings. Write down here A. Okay, now see second one. The lion. The lion is sitting in front of its den. Right here B. See. Third one. The sun is shining brightly in the sky. Right here C. The passenger. What comes? The passenger dropped his ticket on the platform. Now see E. The thief The thief
broke the lock of the house. Write down here. E. Last one. The teacher will take the students on a picnic. Okay? Students, now we will see here question and answer. First, what you have to see? First, just we will read this instruction and then we go ahead. Okay? So, this is called statements and this is question. How you can make a question? Okay, let's see. Bat hang upside down in caves. So, how you will make question? Do bats hang upside down in caves? Okay, let's see second one. A bat has ears and a nose. Does a bat have ears and a nose? So, when we study do, does, then it's called present tense, okay? So, in present tense, we'll study do, does. Okay, where we have to use do and where we have to use does. Let's see, second one. The war dragged on. Did the war drag on? Did you understand? Let's see here, some instructions are given. Just we read. Here the words do, does and did are used at the beginning of statements to form question. When we have to make question, we have to use like this. What, why, where, which. So, we can use WH family, then it can help us to make a question. Okay, let's see. We also use WH words such as why, what, when, where, which, who and how to form question. For example, see here, why are you so happy? We have read in your book. Who said bats are birds? So same, we can use WH words to make question. And I hope so you have learned something. Okay, okay students, what you have to do? First, you have to make some question. Okay, any question you can make. So now we will close this class and now you go wash your hand, drink water and be ready for your next class. Okay, students? Good morning to all of you. Today, we are going to wind up your first lesson, The Globe. I hope you all might have come after reading this lesson and by hearting the question answer which we already discussed in your class. Okay, in the wrap-up portion, you can see as Columbus and Ferdinand Magellan proved that the earth is sphere in shape. These two were the first brave sailors who find out the earth is in a spherical shape. After that, you can see that globe is a model of the earth. So we already discussed that in our class. Third, a globe has some imaginary reference lines and points, such as what are they? Parallel lines or latitude, prime meridians or lines of longitude, axis,
the North Pole and the South Pole. Next, we have seen that lines of latitude also called parallels. And they run from east to west. Which is the longest parallel? The equator is the longest parallel. And the equator, which is the longest parallel, divide Earth into two equal halves. Spare like northern spare and southern spare. Lines of longitude are also called meridians. They are drawn from North Pole to South Pole. Next, lines of latitude and longitude form a grid. It help locate the exact location of a place on the earth, which help to locate the exact location of a place in the earth. A grid help us to locate the exact location of a place on the earth. Another name for this grid is Graticule. In the previous classes, we did a certain exercise work also from this lesson. Tick the correct answers. We have completed in the previous class. Filling the blank section also we have completed. Then write true or false. See the true or false section. Equator is the line with 0 degree latitude. That is true. Second one. The Arctic Circle is at 33.5 degree north, which is false. Okay. Third one is the prime meridian run through Greenwich in London. True. Fourth, the earth is tilted at an angle of 23.5 degree. It is right. True. Okay. Fifth one. To locate a place on a globe, we must know its latitude only. False. We need to know the latitude as well as longitude. Okay. Then come to the short answer questions. D1 we have done. Name the two brave sailors who sailed around the world. Who were they? They are Columbus and Ferdinand Magellan. Second, to which two hemispheres does the equator divide the earth? The answer is, the equator divides the earth into two hemispheres as northern hemisphere and southern hemisphere. Third short answer question. How does the grid help us? Answer is, the grid or graticule formed by the lines of latitude and longitude helps to locate the exact position or location of a place on the earth. Question number 4.
How is the axis of the earth tilted? Answer: Today, the earth axis is tilted 23.5 degrees from the plane of its orbit around the sun. But this tilt changes. You can also take a screenshot of this page. Okay, let us come to the long answer questions. First, what is a globe? How is it useful to us? That we already done. I hope you might have by heart read it. Second one, describe the equator and prime meridian. The answer is, the equator and prime meridian are circles that stretch all the way around the earth. The equator separate the northern and southern hemispheres. The prime meridian separate the eastern and western hemispheres. Question number 3. What are lines of latitude? So what is the answer? A set of circles that run from east to west are called parallels or lines of latitude. Question number 4. Describe the lines of longitude. So what is the answer? Imaginary lines running from north to south are called meridians or lines of longitude. Question number 5. How can we locate a place on a globe? How can we locate a place on a globe? Answer is, in order to locate a place on a globe, we need two things. Which are they? First one, a grider, a grid or a graticule, which formed by lines of latitude and longitude. Second one, we must also know the value of a place, parallel and longitude. That is the point at which the parallels and the meridians cross each other in the location of that place. You can take a screenshot of this page. You can take a screenshot of this page. So let us come to the next section of the question, think and answer. F1. We read the question like this. How are the North Pole and the South Pole similar? Or similarities of North Pole and South Pole. So what are the similarities of the South Pole and North Pole? North Pole and South Pole are the most inhospitable and mysterious region on Earth. So it is the inhospitable and mysterious, which cannot be explained, regions on Earth. But when we look from outside, both are seen as a massive white layer of ice and snow
in which it's hard to live. So these both regions are not habitable. Second one, why does the sun appear rising in the east? What is the question? Why does the sun appear rising in the east? We all know that sun rays in the east. Answer is the sun, moon and the planets and the stars all rise in the east and set in the west. That is because earth spin toward the east, or earth rotate or spin toward the east, and that is why the sun, moon, planets and stars all rise in the east and make their way west toward across the sky. Next, do and learn. G, you can see an activity part. Do it for yourself on a globe. With the help of a globe, you can do this activity. So you have to find out the following places or following names of following names with the help of a globe. What are they? First one is equator. Second one is Tropic of Cancer. Third one is Arctic Circle. Fourth, Tropic of Capricorn. Fifth, Antarctic Circle. And sixth one is Prime Meridian. Come to the next section. H, life skill. You can see two questions there. Why do we worship the earth? The earth religion. It is evident that human first religion would have had to develop from the material world. He argued because human relieved heavily on his or her senses, and what she or he could see, touch and feel. In this sense, the worship of nature formed, allowing humans to further depend on nature for survival. The next question from life skill. What is the importance of Greenwich? Can you say the importance of Greenwich? What is the importance of Greenwich? Greenwich is the starting point to number the meridian. We have seen. Okay, in 1884, it was decided to fix Greenwich, a place near London, as the starting point for numbering meridians. The meridians that passed through Greenwich was marked 0 degree and named Prime Meridian. Okay, like equator to number the parallels. Children, if you have doubt, you can ask. Please go through the lesson as well as the question answer and learn it. Also, you have to read the second lesson for the coming class.